हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आज की एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा हटके होने वाली है क्योंकि आज टॉप 5 ऐसे क्लचेस में तुम्हें दिखाने वाला हूँ जिनको भाई अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले किया है और उनकी क्लिप्स मैंने सेव कर ली थी। एंड भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनके साथ में तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाला हूँ कि यार अगर तुम्हारे ऊपर ये सेम सिचुएशन आती है तो तुम्हें वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जिनसे तुम भी भाई 1v3 या 1v4 क्लचेस ना इजिली कर पाओ। तो यहाँ पे देखो, अभी 4 बंदे मेरे ऊपर चढ़ने वाले हैं और तुम नोटिस करना कि मैं गेम प्ले यहाँ पे कैसा रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूँ तुम्हें, थ्रोएबल्स है ना भाई, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब भी कोई स्क्वाड तुम पे पुश करती है ना, सबसे पहले भाई तुम्हें नेड मॉली यूज़ करना है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ और बाकी तुम मेरा गेम प्ले देखो अभी। एंड गाइज, इसी के साथ हमारा 1v4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड ऑल्सो भाई देखो, बहुत ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि मेरे टीममेट को भी मैं यहाँ पे बचा पाता हूँ। तो भाई देखो, टीममेट्स भी बच जाए और अपन 1v4 क्लच भी कर दे तो भाई टीममेट्स की खुशी तुम जानते हो कि कैसी खुशी होती है उन्हें। गाइज, अगर क्लच की बात करें ना, तो यहाँ पे भाई देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना, वो होता है तुम्हारा कवर में रहना। जब तक तुम कवर में रहोगे ना, तुम्हारे चांसेस रहेंगे तुम वहाँ पे क्लच कर सकते हो। और जैसे तुम ओपन में जाते हो तो भाई देखो, ऑब्वियसली बात है, 4 बंदों में से तुम्हें अगर कोई भी थोड़ा थोड़ा भी डैमेज देगा ओपन में खड़े हो तुम, तो वहाँ पे तुम्हारा मरना एकदम ऑब्वियस हो जाता है। तो ट्राई करो कि तुम कवर में रहो हमेशा। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया कि नीड करती है ना भाई, जैसे मैंने एक बंदा डाउन किया ना, मैं फटाफट से कूद के भाई दूसरे साइड चला गया और इसीलिए भाई मैं यहाँ पे क्लच कर पाया। तो जैसे जैसे बंदा एक एक आता जाता है, नॉक करो फिर से कवर में जाओ, फिर से नॉक करो फिर से कवर में जाओ। सो गाइस, अब अगली क्लच की बात करें ना, तो यहाँ पे देखो, हमारी गाड़ी है ना भाई पूरी डैमेज्ड हो चुकी थी और अभी हमें सीधे भाई एक बान हाउस में ठोकना था। लेकिन बान हाउस में भाई देखो, 3 बंदे हैं ना ऊपर कैंप करते हुए हमें नजर आएंगे और ऑल दो उनका हमें पता चल जाएगा पहले ही। तो देखो, यहाँ पे थ्रोएबल्स का जो यूज़ है ना, वो मैं कैसे करता हूँ और तुम्हें इस सिचुएशन में क्या काम करना होता है। तो यहाँ पे देखो, अभी फिलहाल हम सक्सेसफुली पहुँच चुके हैं, तो सीधा मैं अंदर जाता हूँ। और भाई देखो, अंदर जाने से पहले ना, एक सेफ जगह पे आके मैं हील करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरी वेस्ट वगैरह पूरी डैमेज थी। तो अगर देखो मैं ज़्यादा रश करके भी खेलता ना, तो भी मेरे को वहाँ पे जो है खामियाजा भुगतना पड़ता। तो यहाँ पे भाई एक चीज़ तो मुझे पता थी अच्छे से कि थ्रोएबल्स का यूज़ है ना सबसे ज़्यादा होने वाला है यहाँ पे, और वही चीज़ मैं करता हूँ। तो देखो अभी कैसे खेलता हूँ यहाँ पे। एंड गाइस देखो, यहाँ पे तीनों बंदों को मैंने थ्रोएबल से ही डाउन कर दिया है। नेड वगैरह का अच्छे से मैंने यूज लिया और मेरे टीममेट को मैंने कॉल भी दी थी कि भाई अभी अंदर मत जा, नेड कुक कर रखा हूँ मैं। लेकिन भाई किल सबको चाहिए तो सुनता कौन है। बट हाँ, यहाँ पे देखो, तीनों बंदे को नेड से मैंने उड़ा दिया है। अब यहाँ पे मुझे साउंड आता है कि यार बाहर एक और बंदा है जो नेड पिन कर रहा है। और यहाँ पे देखो भाई, मतलब बंदा तो मैंने मार दिया था लेकिन उसने नीड भी सही टाइम पे फेंक दिया। तो ऑलरेडी भाई देखो, 1v4 हम यहाँ पे कर जाते हैं। एंड गाइस, इस वाली क्लच के थ्रू तुम्हें पता चल गया होगा कि यार थ्रोएबल्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। इनफैक्ट भाई, अगर तुम स्क्वाड हाउस पे पुश कर रहे हो या फिर बान हाउस जैसी जगह पे पुश कर रहे हो ना, तो वहाँ पे भाई तुम्हें ऊपर जाने तक की जरूरत नहीं है, तुम बंदों को भाई थ्रोएबल्स से ही मार सकते हो। तो यहाँ पे नीड्स का अच्छा एग्जाम्पल तुम्हें मिल गया। बाकी अभी सीधे नेक्स्ट क्लच की तरफ चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे सिचुएशन ये रहती है ना कि भाई हमारे पास देखो गन वगैरह ना बिल्कुल कम है, SKS और बस उसी में मेरे पास लिमिटेड एमो है और दूसरी गन में तो लिटरली बिल्कुल भी एमो नहीं। और बंदों को तुम देख सकते हो भाई कैसे एकदम जिगजैग वाला पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई पूरे 4 बंदे अभी आने वाले अपने ऊपर और अपना टीममेट भी नॉक हो जाएगा। तो 1v4 अगेन हम करने वाले हैं। तो देखो कैसे मैं खेलता हूँ यहाँ पे। तो गाइज, यहाँ पे भी देखो, चारों बंदों को तुम्हारे भाई ने अकेले ने लपेट दिया और वो भी सिर्फ और सिर्फ SKS की मदद से, जिसमें भी भाई एमो है ना बहुत ज्यादा लिमिटेड था। अब यहाँ पे देखो, एक चीज तुम्हें ध्यान देने वाली होगी कि भाई यहाँ पे सारे जो बंदे हैं ना, वो मेरे ऊपर एक साथ नहीं चढ़ रहे थे। और भाई जब भी बंदे तुम्हारे ऊपर एक साथ चढ़ने वाले होते ना,
तब वहां पे क्लच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड गाइस अगर बंदे देखो एक एक करके तुम्हारे पास आ रहे हैं ना, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम क्लच कर लोगे इजीली। गाइस देखो 1v2 अगर करना हो ना, तो वहां पे तुम अग्रेशन दिखा सकते हो, लेकिन चार बंदे तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम्हारे पास हेलमेट वेस भी अच्छा खासा नहीं है, गन्स भी अच्छी खासी नहीं है, तो वहां पे भाई अग्रेशन छोड़ो, अग्रेशन गया भाड़ में। यहाँ पे तुम्हें टीपीपी का यूज लेना पड़ेगा, तुम्हारे पास जो कवर है ना उसका यूज लेना पड़ेगा। और जैसे जैसे बंदा एक एक करके आए ना, एक बंदा नॉक करो फिर से कवर में जाओ, एक बंदा नॉक करो फिर से कवर में जाओ, एंड यहाँ पे इजीली तुम्हारा क्लच जो है ना वो होपफुली हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अभी 1v3 में करने वाला हूँ, और यहाँ पे खासियत ये थी कि भाई हमारी जो पिंग है ना भाई वो बहुत ही ज्यादा हाई जा रही थी। तो यहाँ पे जिन लोगों को लगता है ना कि यार हाई पिंग में हम क्लच नहीं कर पाते, तो उनको अच्छा खासा एग्जांपल यहाँ पे मिलने वाला है। तो गाइस यार यहाँ पे भी सेम चीज मैंने फॉलो की, यहाँ पे जैसे ही मुझे लगा ना कि यार अब मैं ओपन में आ चुका हूँ, मैं फटाफट से देखो गन पीछे रखी मैंने और मैं फटाफट से कवर में आ गया। तो सेम चीज भाई देखो कवर है ना भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा तुम कवर में खेलोगे ना उतना ज्यादा तुम क्लच कर पाओगे। तो भाई देखो कवर में रह के ही हमें खेलना है हमेशा, अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं तो भाई कवर छोड़ के जाना ही नहीं है बाहर। बाहर जैसे जाओगे तुम्हारी पेटी वहाँ पे बना दी जाएगी, चार तरह से तुम्हें स्प्रे आएगा और इजीली तुम मर जाओगे वहाँ पे। तो थोड़ा सा भाई तुम्हें कवर में रह के खेलना ही पड़ेगा, टीपीपी लेके खेलना पड़ेगा, तब जाके तुम भाई इजीली क्लच कर पाओगे। ओके यार गाइस, तो देखो अगली अगर क्लच की बात करें ना, तो यहाँ पे हॉट ड्रॉप था और मैं यहाँ पे जॉर्ज पुल में उतर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो एक सिंपल चीज फॉलो करनी है तुम्हें, अगर तुम्हारी गन पावर ठीक ठाक है और तुम्हारे पास डिवाइस भी अच्छा खासा है, लाइक अच्छे खासा FPS तुम्हें मिल जाते हैं, तो यहाँ पे एक चीज फॉलो कर लो बस, अगर हेलमेट वेस मिल जाता है तो ठीक है, वरना गन मिलती है भाई सीधा तुम्हें पुश करना है। क्योंकि गाइस देखो जितना ज्यादा टाइम तुम अगर बंदों को देने वाले हो ना, उतनी ज्यादा अच्छी लूट उनके पास हो जाएगी, उतनी ज्यादा अच्छी हेलमेट वेस्ट उनके पास हो जाएंगे, और गन वगैरह सब कुछ अच्छा हो गया ना भाई, तो डेफिनेटली भाई तुम्हारे ऊपर वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं देखो फटाफट से पुश कर देता हूँ। एंड गाइज यहाँ पे भी हमारा इजिली 1v4 क्लच जो है सक्सेसफुल हो जाता है। अब तुमने देखा होगा बंदों के पास शॉर्ट गन थी, किसी के पास SKS थी, एंड गाइज देखो SKS से भी तुम क्लच कर सकते हो अगर तुम Mewtwo की टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हो। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एंड अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर से कर देना इसको, एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो गाइस अब ये वाला जो क्लच है ना, ये एक 1v3 क्लच होने वाला है, और यहाँ पे तुम्हें भाई एंगल बना के खेलने का एग्जांपल मिलने वाला है। और अगर तुम भाई देखो एक ही जगह से खेलते हो ना, तो ऑब्वियसली बात है तुम बंदों को स्पॉटेड रहोगे, लेकिन तुम अगर जगह चेंज कर करके खेलते हो, एंगल क्रिएट कर करके खेलते हो, तो वहाँ पे तुम बंदों को कैसे नॉक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो बंदों को लग रहा था कि मैं अभी पहले वाली जगह पे हूँ, जबकि भाई मैं चुपके से बगी लेके ना अलग ही एंगल पे आ चुका हूँ और अपने टीममेट्स को वहाँ पे छोड़ दिया है मैंने। तो गाइस जैसे कि तुम्हें अभी पता चल गया होगा कि यार बंदे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यार यहाँ पे भी कोई बंदा हो सकता है। यहाँ पे गाइस फटाफट से मैं पुश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था अभी उसका टीममेट भाई रिवाइव के लिए बहुत ज्यादा तेज चिल्ला रहा होगा, और थोड़ा सा प्रेशर हमने क्रिएट कर दिया है जिसका फायदा अभी हम यहाँ पे मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे 1v3 हमारा अगेन हो चुका है, और यहाँ पे इस बंदे को भी मैं फटाफट से फिनिश कर देता हूँ, और इसका जो लास्ट बंदा है ना भाई उनको भी हमारी टीममेट्स जो है अभी मार देंगे जाके। और भाई देखो इसी के साथ हमारी क्लच वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर तुम चाहते हो कि भाई ऐसी क्लचेस के ऊपर मैं और वीडियोस लेके आऊँ, जो भी मैं क्लच करता हूँ तो उसे एक्सप्लेन करूँ कि यहाँ पे तुम होते तो क्या करना है तुम्हें, तो वो अगर तुम चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना, और वीडियो को दबा के लाइक कर देना ताकि मुझे पता चले कि यार वीडियो तुम्हें पसंद आई है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।